साईं बाबा की करीब 800 किलो की वजन की मूर्ति ओम साई राम के मंत्र जप के साथ सबने इसको इस तरह से चढ़ाने की कोशिश की। खुद इस मंदिर के संस्थापक जिन्होंने स्थापना कराई राजू तिवारी जी लगातार लगे हुए। देखो जब बाबा को हमने जा करके छोटे मंदिर में प्रणाम किया तो उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मूर्ति यहाँ अपने स्थान पर जाके चढ़ गई। ये बाबा का अपना एक प्रताप है। जब मैं खुद गया बहुत देर से यहाँ पर लगे हुए थे कि मूर्ति चढ़ जाए, लेकिन इतने सारे लोग हो करके भी मूर्ति को चढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन बाबा से एक प्रणाम करने के बाद, एक अनुनय विनय करने के बाद कि बाबा अपनी मूर्ति को अपने स्थान पर स्थापित करवा दो, तो एक बार में एक झटके में इन लोगों ने बोला और मुझे दौड़ के आना पड़ा यहाँ पर। जब मैं दौड़ के आया तो मूर्ति इस स्थान पर चढ़ चुकी थी। ये बाबा की अपनी महिमा है, बाबा की अपनी कृपा है जो बाबा खुद यहाँ पर आकर के स्थापित हुए हैं। अब देखो अंततः सबके प्रयास से और साईं बाबा की कृपा से साईं बाबा अपनी जगह पर विराजमान हो चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। तो रात को 12 बजे सबकी अपार मेहनत के बाद और साईं बाबा की कृपा के बाद साईं बाबा अपने इस स्थान से चढ़ करके जो मूर्ति आई थी करीबन 8 टन की है, 850 किलो के आसपास इस मूर्ति को बताया जाता है। अब जो भव्य और दिव्य दर्शन हम आपको कराने जा रहे हैं, जो साईं बाबा की ये संगमरमर की मूर्ति जो 5 फुट की बताई जाती है और लगभग इतनी 5 फुट की भारत के अंदर ऐसी कोई मूर्ति है नहीं है, तो साईं धाम पहाड़ी में, नोनार पहाड़ी में इस मूर्ति की स्थापना की जा रही है। और ये जयपुर से चल के आए हुए हैं, सीधे जयपुर राजस्थान से इनको इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित करने के लिए आना पड़ रहा है। बहुत ही जगह, और देखिए कितना भव्य और दिव्य लग रहे हैं ये, क्या कहते हैं अपने आप में, कितनी एक प्रतिमा की आप देखो तो कितनी विशाल लग रही है। ये जो पहला दर्शन हम आपको करा रहे हैं, ये दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। इस भव्य और दिव्य ये मंदिर का पहला दर्शन है। इस प्रकार से आप देखें तो कितनी ही अच्छे तरीके से बनाया गया। ये प्रथम द्वार है, जो प्रथम द्वार आपको दिख रहा है, तो इसकी जो डिजाइन है, इसकी जो कलाकृति है, ये अपने आप में कितनी क्या कहते हैं अच्छी है। हाथी के दृश्य बने हुए हैं ऊपर, और इस प्रकार का ये जो दरवाज़ा है, ये मेन दरवाज़ा कहा जाता है, और इस मंदिर का ये पहला दरवाज़ा है। शेर की आकृति के ये जो आकार आपको दिख रहे हैं, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से सोच करके बनाया गया है। और ये जो आपको दिखेगा इधर की जो साईं बाबा का है, तो बाएं जा बाई साईं बाबा को भोजन दिया करती थी, एक एक वर्णन है साईं बाबा की इन मूर्तियों का। तो हम आपको बताएं तो इधर हम आपको दिखाएंगे अभी, तो साईं बाबा के सामने मद्रासी भजन मंडली भजन प्रस्तुत करती थी, तो ये साईं बाबा यहाँ बैठे हुए हैं और इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ भजन प्रस्तुत कर रहे थे। और इसके बाद क्या कहते हैं जो आगे का जो है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि साईं बाबा का शिरडी में प्रथम आगमन हुआ, तब मल्हा सापति ने आओ साईं कहकर उनका स्वागत किया। तो जो संत की जो परंपरा रही है, संत समाज जो साईं बाबा के प्रयास रहे, उनको भी दर्शाने का बखूबी प्रयास किया गया है। तो यहाँ ये जो आकृति यहाँ पर लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, साईं बाबा कभी कभी नृत्य भी किया करते थे। तो साईं बाबा जब अपने उस पर आते थे तो वो नृत्य भी किया करते थे। इसके आगे जो हम आपको दिखाएंगे, तो यहाँ पर एक ऐसी आकृति है जिस पर लिखा हुआ है दास गरु महाराज साईं बाबा के समक्ष कीर्तन करते हुए, तो कीर्तन भी उनके सामने हुआ करती थी। ये एक दृश्य यहाँ पर अंकित किए गए हैं बहुत अच्छे तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि साईं बाबा की पालखी शोभा यात्रा निकाली जाती थी, साईं बाबा की पालखी शोभा यात्रा निकाली जाती थी। और ये जो पीछे का एक दृश्य है, तो यहाँ पर साईं बाबा ने मंगलवार दिनांक 15 अक्टूबर और 1918 को दशहरे के दिन नश्वर देह का त्याग किया, चूँकि जो अवतार होते हैं वो मरा नहीं करते हैं, तो देह का त्याग करना, वो देह को त्याग कर दिया करते हैं। वही एक अवतार की एक खासियत होती है कि वो अपनी देह को त्याग देते हैं, उनका असमाधि लेते हैं और देह को त्याग दिया करते हैं। इसके बाद जो आपको आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है साईं बाबा को छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, तो साईं बाबा बच्चों को बहुत पसंद करते थे और छोटे बच्चों के बीच में बैठ करके वो मनोरंजन करते थे, बच्चे भी उनके बीच में बहुत खुश रहा करते थे। ये दृश्य, ये पूरा
दिखाने की कोशिश यही की गई है कि साईं बाबा का बच्चों से कैसा प्यार था। इधर जो आकृति है तो यहाँ लिखा है साईं बाबा ने दीपावली के दिन पानी से दिए जलाए। ये अपने आप में बड़ी बात है कि पानी से दिए को जला देना, तो ये भी एक उनकी जीवनी का और उनके चरित्र का और उनका जो एक दिव्य अवतार है उसकी एक बड़ी बात है कि साईं बाबा ने दीपावली के दिन पानी से दिए जलाए थे। तो इसके बाद जो आकृति है कि साईं बाबा प्रकृति प्रेमी भी थे, पौधे लगाने और उन्हें पानी देने का कार्य करते थे। तो प्रकृति का जो और साईं बाबा का अपना जो लगाव था, जो प्रकृति को वो कहते हैं ना प्रकृति ही देव है, प्रकृति से ही तमाम चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, तो उनको साईं बाबा का प्रकृति के प्रति भी अपना एक जो लगाव था, तो वो पानी दिया करते थे, पौधों को पानी दिया करते थे। इधर जो आप देखेंगे तो यहाँ ये जो आकृति बताई गई है कि साईं बाबा भक्तों के लिए हंडी में हाथ डालकर खाना बनाते थे, ये भी अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि मतलब जलती हुई हुई हंडी और आग है नीचे और ऊपर हंडी चढ़ी हुई है, तो भक्तों के लिए खाना बनाते थे उस वक्त, क्या कहते हैं। तो ये जो चमत्कार की कहानियां हैं ये सब एक पूरा एक दृश्य है जो मंदिर से आपको दिखाने की कोशिश की गई है, बताने की कोशिश की गई है। और यही उनकी ये विशाल प्रतिमा है, 5 फुट की ये प्रतिमा है बताई जाती है और 850 किलो करीबन 8 टन से भी ऊपर की ये मूर्ति है और इतने सारे लोग लगे थे इसको चढ़ाने के लिए। तो अभी कल से जो कार्यक्रम होने वाला है उसको लेकर के आगे आप देखिएगा, 3 दिन का प्रोग्राम है और इस तरह से आप लोग यहाँ सादर आमंत्रित भी हैं इस भंडारे में, इस आयोजन में। टोटल में भोजन होगा 11 तारीख को सुबह 9 बजे 9-10 बजे से शुरू हो जाएगा, शाम को 6 बजे तक भंडारे का आयोजन है।